सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 22 की 45 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मैं नूर अंग इमाम का खासी रूह खसम सुख देऊं जगाए के मोमिन रूहे तले कदम। मैं स्वयं श्याम अवतार शतगुरु का नूर अंग हूँ। श्री श्यामा जी धामधनी के अंग हैं। मुझे उन ब्रह्मात्माओं को जागृत कर परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव कराना है जो श्री राज्य के चरणों में ही बैठी हुई है। रूहों को अरस देखावने उलसत मेरे अंग करने बात मासुक की मावत नहीं उमंग। ब्रह्मात्माओं को परम धाम का अनुभव करवाने के लिए मेरे अंग प्रत्यंग पुलकित हो रहे हैं। अपने प्रियतम धनी की बातें उनके साथ करने के लिए मेरे अंगों में उमंग समा नहीं रही है। नए नए रंग रूह मोमिन आवत है सिरदार बड़ो सुख हो सी कयामत नहीं इन सुख को पार। शिरोमणि ब्रह्मात्माएं नए नए रंग को लेकर हमारे पास आ रही है। आत्म जागृति की वेला अपार सुखदायी होगी। उस सुख की कोई सीमा नहीं रहेगी। आशिक आवत मासुक की ताको छिपो राखो उजास राह देखो और रुहन की सब मिल हो सी विलास। प्रियतम धनी की आंशिक आशिक ब्रह्मात्माएं जागृत हो रही है। अभी भी हमने ब्रह्म ज्ञान के इस तेज को छिपा कर रखा है। हम शेष आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वाणी के माध्यम से जागृत होगी और सब मिलकर एक साथ जागनी रास का विलास होगा। नूर इमाम इन भांत का कबू जो निकसी किरण सो पसरसी एक पल में चारों तरफों सब धरन। सतगुरु का ज्ञान इस प्रकार का है कि उसके प्रकाश की एक भी किरण फूट पड़ेगी तो एक ही पल में इस धरती पर चारों ओर फैल जाएगी। क्यों रहे प्रकाश पकरियो इमाम नूर अति जोर में राखत होले हुकम ना तो गई रैन भयो भोर। सतगुरु का प्रकाश इतना प्रखर है कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता। उनकी आज्ञा से ही मैंने इसे अपने अंतर में छिपा रखा है अन्यथा अज्ञान का अंधकार मिटकर ब्रह्म ज्ञान का प्रभात हो गया होता। नूर बड़ो इमाम को सो क्यों ढांपू मैं अब सुख गोसे को या बखत पीछे दुनी मिलसी सब। इमाम के ज्ञान का प्रकाश अति प्रबल है उसे मैं कैसे छिपाए रखूं। यह घड़ी तो धामधनी के सानिध्य में एकांत सुख लेने की है बाद में तो सारी दुनिया एकत्र हो जाएगी। मैं तुमको चेतन करूं एही कसोटी तुम याविध अरस अरवाहो का त
तसीहा लेवे खसम। हे आत्माओं, मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि यही प्रेम की कसौटी है। परब्रह्म परमात्मा इस प्रकार परमधाम की आत्माओं की परीक्षा ले रहे हैं। शब्द हमारे सुन के उठी न अंग मरोर, आशिक मासुक सब देख ही तुम इसक का जोर। जो ब्रह्मात्माएं हमारे वचन सुनकर भी पूरी उमंग के साथ नहीं उठेंगी, उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी एवं स्वयं श्री राज जी के तुम्हारे प्रेम का बल देख रहे हैं। ए सुन के जो दौड़ी नहीं तो हांसी है तिन पर, जैसा इसक जिन पे सो अब होसी जाहिर। जो इन वचनों को सुनकर भी नहीं दौड़ेंगी, उन पर बाद में हंसी होगी। श्री राज जी के प्रति जिसका जितना प्रेम है, अब वह प्रकट हो जाएगा। जो इसक ले आ मिलसी सो लेसी सुख अपार, दर्द बिना दुख होए सी सो जानो निर्धार। जो प्रेम में ओतप्रोत होकर मिलेंगी, वे अपार सुख प्राप्त करेंगी। जिन आत्माओं के हृदय में अपने धनी के प्रति पीड़ा नहीं होगी, उन्हें अवश्य दुख होगा। जो किन्ने गफलत करी जागी नहीं दिल दे, सो इत दीन दुनी का कछु ना लाहा ले। लाहा तो ना ले वही पर सामी हांसी होए, ए हांसी अरस के मोमिन जिन कराओ कोए। जो इन वचनों को सुनकर भी असावधान बनी रहेंगी और धनी के चरणों में दिल समर्पित कर जागृत नहीं होंगी, वे यहाँ रहते हुए न दुनिया का सुख प्राप्त कर पाएगी और न ही धर्म का सुख ले पाएगी। वे इस अवसर का लाभ तो नहीं ले पाएगी, किंतु उनकी हांसी अवश्य होगी। इसीलिए हे परमधाम की आत्माओं, इस प्रकार कोई भी अपनी हंसी मत करवाओ। जीन उपजे मोमिन को इन हांसी का भी दुख, सो दुख बुरा रुहन को जो याद आवे मिने सुख। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मात्माओं को इस हंसी का भी दुख न हो। परमधाम में जागृत होकर अखंड सुख का अनुभव करते हुए यदि इस प्रकार के उपहास का स्मरण होगा, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ना तो जीन जुबा में दुख कहूँ, सोए करूँ सतटुक तो एता रूहो खातर विद विद करत हो कूक। अन्यथा जिस जिह्वा से मैं उक्त दुख की बात कर रहा हूँ, उसके सैकड़ों टुकड़े कर दूँ, किंतु ब्रह्मात्माओं को अपार सुख का अनुभव करवाने के लिए ही मैं विभिन्न प्रकार से पुकार कर रहा हूँ। जब दुख मेरी रुहन को तब सुख कैसा मोहे, हम तुम अरस अजिम के अपनी रूह नहीं दोए। जब मेरी आत्माओं को दुख होगा तो मुझे कैसे सुख का अनुभव होगा। वस्तुतः हम और तुम दोनों ही परम धाम के हैं, अपनी आत्मा अलग अलग नहीं है। पहले फरेब देखाइया पीछे मोहम्मद दिन, कलमा जाहिर करके देखाया यकीन। पहले झूठा खेल दिखाकर फिर मोहम्मद द्वारा निर्दिष्ट धर्म को स्पष्ट किया, पुनः
तारतम ज्ञान द्वारा कल माँ का रहस्य प्रकट कर धाम धनी के प्रति होने वाली निष्ठा दिखा दी। माए ने जाहिर कुरान के कही बात नेक सोए और गुज भी करो नेक जाहिर अरसवतनी जो कोए। इस प्रकार कुरान के किए जा रहे बाह्य अर्थों को के संबंध में थोड़ी सी बात कही। अब परमधाम की आत्माओं के लिए और भी गूढ़ रहस्य प्रकट करता हूँ। प्रकरण 22 चौपाई 682। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 22 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।